नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा थाना दिवस पहुंचे, चौक कोतवाली, किया पूरी कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण। निस्तारण कर सही रिपोर्ट देने के लिए दिए सभी इंचार्ज को निर्देश। वांटेड क्रिमिनल क्राइम और ट्रैफिक पर बेहतर काम करने का दिया निर्देश। पेश है उदित राज न्यूज से लखनऊ संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। करना हम लोगों के लिए एक प्रकार से अनिवार्य शर्त भी है और एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था जिसमें थाने की पूरी वर्किंग के बारे में हम सब समझ जाते थे। पिछले कुछ समय से वार्षिक निरीक्षणों की स्थिति लखनऊ में बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि ये मेरा चौथा थाना है जिसका वार्षिक निरीक्षण कर रहा हूँ मैं, और पाँचों जोन में एक एक वार्षिक निरीक्षण करने का लक्ष्य तय किया है और इसके बाद फिर इस साल में और भी करेंगे। जहाँ भी जा रहे हैं, 3 साल 2 साल 4 साल से किसी भी SSP का या सीनियर रैंक में ADG IG का वार्षिक निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। अर्धवार्षिक निरीक्षण भी बहुत कम हुए हैं जबकि अधिकारियों के होने चाहिए। ज़्यादातर हम आकस्मिक निरीक्षण तक सीमित रह गए हैं और आकस्मिक निरीक्षण खूब हो रहे हैं लेकिन उसकी भी क्वालिटी अभी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। कुछ अधिकारियों ने ज़रूर बहुत अच्छे किए हैं। अनुपालन आख्याएँ थोड़ी मेरे हिसाब से सरसरी तौर पे प्रेषित की जा रही हैं जिनमें अभी और गुणात्मक सुधार संभव है। आज के इंस्पेक्शन में जितनी चीज़ें देखी गई, थाना परिसर की साफ़ सफाई से लेकर कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, फिर बैरक्स और आवास, इनके अलावा मेस और परिसर में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें से बहुत सारी गाड़ियों का डिटेल्स, और उसके बाद सभी प्रकार के जो रजिस्टर्स होते हैं, करीब थाने में 70 के आसपास इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स फाइलें होती हैं जिसमें से आज हम लोगों ने लगभग 40 से ज़्यादा रजिस्टर्स और फाइल्स बहुत डिटेल में देखे हैं। अधिकारियों, कई अधिकारी थे साथ में, उनके ऑफिसर्स के लोग आए थे, उनके साथ टीमें बनाई गई, अलग अलग काम बांटा गया और सबसे रिव्यू ले रहे हैं। जो ओवरऑल चीज़ें निकल के आई हैं कि अभी यहाँ पर जैसे टॉप 5 एक्टिव क्रिमिनल्स, टॉप 10 पे बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। एक्टिव क्रिमिनल्स जिन्हें छांटा गया है, मेरे हिसाब से वो बहुत एक्टिव क्रिमिनल की लिस्ट में रखने लायक नहीं है। टॉप 5 टॉप 10 में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। वांटेड अपराधियों की सूची में बहुत से नाम लोगों ने इसलिए शामिल नहीं किए हैं कि वो 7 साल से कम सज़ा वाले नहीं हैं, सबसे ज़्यादा ही धाराओं के लोगों को रखा जा रहा है। उसमें भी कई लोगों को साक्ष्य के आधार पर अभी मुलजिम नहीं माना गया है। ये सब जो हम लोग शर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सही स्थिति हम उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित नहीं कर रहे हैं, इससे मेरी असंतोष भी इस चीज़ से लेकर है। हमें फेयर वर्किंग करनी चाहिए, अपराधी के खिलाफ हमारा बल्कि शिकंजा होना चाहिए, मजबूती से हमें काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय अपराधी है उसको हम इस लिस्ट में रखें, सबसे ज़्यादा जो ड्रेडेड है उसको टॉप 5 टॉप 10 में रखें, वांछित अपराधियों की लिस्ट में उसको तब तक वांछित में रखें जब तक कि हम अन्यथा उनके नाम किसी सबूत न पाए जाने पर निकाल दें, बजाय इसके कि पूरे सबूत ठोक बजा के 5-7 महीने बाद उनको वांटेड की लिस्ट में लाएं। तो ये सब चीज़ों से हम अपनी सूचनाओं को इधर उधर करते रहते हैं जिसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। दूसरी चीज़, हिस्ट्री शीटर्स पे हम लोगों का काफ़ी ध्यान है, तो चेकिंग तो हिस्ट्री शीटर्स की लगभग इस साल हम लोगों ने 100% पूरी की है लेकिन अभी उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बाकी हैं। रजिस्टर्स का रखरखाव अभी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत सी एंट्रीज ऐसी हैं जो लंबे समय से नहीं की गई हैं और ये एंट्रीज़ अब होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अपडेट नहीं होंगे, हमारे चौकी इंचार्ज अपडेट नहीं होंगे, बीट के कांस्टेबल्स अपडेट नहीं होंगे, तब तक हम उतना अच्छा शिकंजा नहीं कस पाएंगे। बीट सब इंस्पेक्टर्स बीट नहीं लिखा रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि सारी बीट लिखाने का जिम्मा कांस्टेबल एट कांस्टेबल के सिर पर आ गया है। और अगर हम ऐसे चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो जो हमारी हार्डकोर पुलिसिंग की अच्छी चीज़ें थी वो मिस हो रही हैं। पॉलीगॉन, PRV, पिंक
टूल बना लें और कैमरे ले लें, व्यापार संघ अपने स्तर से ही उनको इम्पोर्टेंट जगहों पर लगवाए, जगह हम उनको बता देंगे किन चौराहों तिराहों पर लगाना है, इससे भी क्राइम कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलेगी। ITMS और दृष्टि के कैमरों का हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड चौराहों तिराहों पर लगे हैं, पूरा शहर उससे कवर नहीं होता है। और जो हमारी पॉलीगॉन पिंक मोबाइल्स का व्यवस्थापन है वो हम और सेंसिटिव स्पॉट पे हॉट स्पॉट चिन्हित करके अगर लगाएं तो मेरा मानना है कि हम क्राइम रोकने में भी सफल होंगे और अनावरण में बहुत मदद मिलेगी। सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ही ने बताया अभी कि पिछले 4-5 सालों से निरीक्षण नहीं हो रहे थे, कुछ चीज़ों में कमियां पाई जा रही थी और ख़ासकर अभी आपके मुँह से ही पता चला कि बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं जो दरोगा या इंस्पेक्टर या चीज़ें नहीं भेज पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है कि दबाव कम हो गया है या आला अधिकारियों का वो जिस तरीके का प्रेशर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये हर थाने की स्पेसिफिक समस्या है और स्पेसिफिक इसके रीजंस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे थानों में 3-4 साल से नहीं हुए, मैंने ये कहा जिन थानों के मैंने इंस्पेक्शन किए हैं वहाँ, हो सकता है बाकी जगह पिछले साल हुए हों पर चूंकि अभी मैं वहाँ नहीं एनुअल इंस्पेक्शन किया हूँ। दूसरी चीज़ कि हर थाने की एक पिक्यूलियर समस्या है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू होंगे, कहीं रिलीजियस मैटर्स होंगे, कहीं कम्युनल टेंशंस ज़्यादा होंगे, कास्ट लाइन पे काम होगा, हर थाने का एक व्यस्तता का कारण हो सकता है। फिर भी मैं किसी कारण को इतना बड़ा कभी नहीं मानता कि वो बेसिक पुलिसिंग से ऊपर चला जाए। सालों साल से हम लोग भी पुलिसिंग करते आ रहे हैं और मेरा अभी भी मानना है, दृढ़ विश्वास है कि अगर हम समय का प्रबंधन ठीक से करें तो कोई कारण नहीं है कि हम अपनी हार्डकोर पुलिसिंग को छोड़ते जा रहे हैं, उसको हम छोड़ें।